तो हमने जो सारे एग्जांपल्स हैं वो यहाँ पर देखे, एक एक कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया, कैसे ये चीज़ें काम करती हैं, कैसे उसकी जो जावास्क्रिप्ट मेथड्स हैं उनको कैसे यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। ठीक है, तो इनको अलग अलग पढ़ना एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, हर एक चीज़ का हमें नॉलेज हो गया कंपोनेंट्स का, अब उनको आपस में मिक्स करके कैसे एक प्रोजेक्ट यहाँ पे वर्क करता है वो हम यहाँ पे देखेंगे, कैसे हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट करेंगे, ये सारी चीज़ें अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ अब, जिसका नाम है ई कॉमर्स। ठीक है, ई शॉप उसका मैं नाम रखता हूँ, आप कुछ भी नाम उसका रख सकते हैं। तो मेरे पास जो फोल्डर है फील फ्री टू कोड, यहाँ पे डी ड्राइव में, उसके अंदर जहाँ पे मैंने सारे एग्जाम्पल्स रखे हैं बूटस्ट्रैप से रिलेटेड, फील फ्री टू कोड, और यहाँ पर आप देखोगे कि बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा जिसका नाम है ई शॉप। ठीक है, तो वो क्या होगा, उसमें जब टेम्पलेटिंग होंगे, टेम्पलेट टेम्पलेट होंगे, ये जो वेबसाइट होती है डायनेमिक वेबसाइट, उसके लिए एक सर्वर की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर सर्वर नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पेज डिज़ाइंस करेंगे, एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करेंगे, और केवल हमें डिज़ाइन अभी सीख रहे हैं तो हम डिज़ाइनिंग पे काम करेंगे। अगर आप बैकएंड सीखना चाहते हो, सर्वर प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे जेंगो का मिल जाएगा आपको, नोड जेएस मिल जाएगा, एंगुलर पे मिल जाएगा, तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे स्टैटिक वेबसाइट होगी, जिसमें केवल एक पेज से दूसरा पेज कनेक्ट होगा, और बेसिकली हम पूरा जो फोकस हमारा है वो डिज़ाइन पे। तो यहाँ पर एक मैं न्यू फोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, मैंने इसका नाम रखा ई शॉप। ठीक है, ये मेरा फोल्डर हो गया, इसके अंदर हम सारे एग्जांपल्स रखेंगे। तो एग्जांपल स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहला जो फाइल रहेगा हम उसको रखेंगे इंडेक्स डॉट एस टी एम एल। ठीक है, जो कोई भी वेबसाइट है हमारी वो स्टार्ट होती है इंडेक्स डॉट एस टी एम एल से। तो मैं क्या करूँगा, ये अभी जो वीएस कोड है इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, और जो हमने ई शॉप फोल्डर बनाया है यहाँ पर मैं कहूँगा ओपन विथ कोड। ठीक है, तो ये ई शॉप जो फोल्डर है मैंने इसको वीएस कोड में ओपन किया हुआ है, और अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सी डी एन का। ठीक है, तो लोकली मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा सी डी एन का। तो इसके लिए मैं जाऊँगा बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट में, बूटस्ट्रैप 4.0 में ये अभी जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ 4.5 जो कि लेटेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, ये जो लेटेस्ट है इस पर जाएंगे। ठीक है, ओके, तो ये भी जो हमको 4.1 का दिखा रहा है, तो यहाँ पर एक नोटिस आ रहा है कि देयर इज़ न्यूअर वर्जन ऑफ 4। ठीक है, बूटस्ट्रैप 4 का, तो ये आ गया हमारे पास बूटस्ट्रैप 5। ठीक है, अगेन मैं बता देता हूँ, जो 5 है उसका अल्फ़ा वर्जन आया है, तो अल्फ़ा वर्जन में क्या होता है, उसमें चेंजेस आएंगे अभी बहुत सारे, उसमें अगर प्रॉब्लम होती है तो लोग उस पर इशूज़ जो भी आते हैं तो वहाँ पर डिस्कस किया जाता है फोरम में, और फिर उसको सॉल्व किया जाता है, तो अभी परफेक्ट नहीं है। लेकिन जो 4.5 है बिल्कुल परफेक्ट, कहीं पर भी कोई एरर वगैरह कोई बग नहीं होगा, तो अल्फ़ा बीटा वर्जन में हो सकता है। ठीक है, जब तक वो हम फाइनल करंट वर्जन पे नहीं आता था लेटेस्ट, तब तक हम उसका यूज़ अभी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, करने को आप कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो केवल ज़्यादा चेंजेस नहीं है दोनों में, आराम से आप वहाँ से उसमें शिफ्ट हो सकते हो। ठीक है, तो देखेंगे लास्ट में कैसे उसमें क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा हैं, जिसको हम देख लेंगे, एक दो तीन वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे, तो हमने कहा गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा सी एस एस का लिंक, यहाँ पर मिल जाएगा जे एस का, और यहाँ पर स्टार्टर टेम्पलेट है। स्टार्टर टेम्पलेट में क्या क्या चीज़ें हैं, मेटा टैग्स वगैरह जो ऐड हैं वो चाहिए होते हैं वो हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जो स्टार्टर टेम्पलेट है मैं इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करूँगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो मैंने इसको कोड में ओपन किया हुआ है, नहीं हुआ, अगेन मैंने कहा ओपन विथ कोड। ठीक है, तो वी एस कोड यहाँ पर ओपन हो रहा है, हो चुका है। तो अब हमें फाइल क्रिएट करना है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जो सारी क्लासेस हैं ये सारी हम मैनुअली टाइप ना करें, इसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक एक्सटेंशन है वी एस कोड में, मैं उसका भी यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे उसका यूज़ करना है। तो यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, हमने यहाँ पर कहा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये हमने यहाँ पर फाइल को क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, जो भी फाइल्स हैं वो हम यहाँ पे लोकली रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कोई फाइल्स वगैरह यूज़ नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली जो लॉरेम पिक्सम है उससे इमेजेस को उठा लूँगा और उसका यूज़ करूँगा। ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हमने क्रिएट किया, यहाँ पर मैं जो स्टार्टर टेम्पलेट है उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और ये क्या चीज़ें हैं मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे एच टी एम एल 5 डॉक है, तो एच टी एम एल 5 में हमें ये चीज़ लिखना ज़रूरी होती है, रिस्पॉन्सिव मेटा टैग है, रिस्पॉन्सिव करने के लिए ये चीज़ लिखना ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गया। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे कि यहाँ पर मुझे कार्ड क्रिएट करना है या मुझे कंटेनर क्रिएट करना है, तो इंडेक्स डॉट एच टी एम मान लो मुझे कंटेनर क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पर डिव डॉट कंटेनर लिखता हूँ। इससे अच्छा मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, जो सिंटैक्स जैसे कि हम आई डी ई में यूज़ करते हैं थोड़ा सा लिखेंगे पूरा ऑटोमेटिकली लिख जाएगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एक्सटेंशंस का। तो एक्सटेंशंस पे जाना है आपको, और यहाँ पे हमको इंस्टॉल करना है एक्सटेंशन। तो जनरली क्या होता है, अभी तक हमने जो सीखा, सीखते टाइम तो आप पूरा टाइप कीजिए ज़रूरी है, लेकिन जब आप डेवलपमेंट पे जाते हैं तो आपको एक्सटेंशन यूज़ करना ज़रूरी है, कर सकते हैं बहुत, जब से सब फास्ट जो है काम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा बूटस्ट्रैप लिखूँगा मैं यहाँ पे,
तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे बूटस्ट्रैप जो 4 है उसके एक्सटेंशंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे बूटस्ट्रैप वर्जन 4 स्निपेट्स, ठीक है। तो स्निपेट्स जो है इसको आपको इंस्टॉल करने लेना है, ये वाला आपको आइकन मिलेगा। तो मुझे मैं इंस्टॉल है, मैं इसको डिसेबल करके रखा हुआ था मैंने, इसको मैं इनेबल कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी इनेबल हो चुका है। इंस्टॉल करने के बाद अगर रीस्टार्ट करने को भी बोलता है तो आप VS कोड को रीस्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फॉन्ट ऑसम के लिए है, फॉन्ट ऑसम 5 प्रो, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं इनको भी यहाँ पर इनेबल अभी नहीं करता, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है वैसे। तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में वापस आएंगे और आप देखिए अब इसका मैजिक जो हमने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मैजिक ये है कि आप यहाँ पर जस्ट क्लास का नाम लिखेंगे। मैंने यहाँ पर कहा कंटेनर, तो यहाँ पर आप देखो बूटस्ट्रैप कंटेनर, बूटस्ट्रैप कंटेनर फ्लूड, ये दो ऑप्शन आए। तो फ्लूड क्रिएट करना तो फ्लड, नहीं तो कंटेनर। तो अभी मैं क्या करता हूँ, फ्लड क्रिएट करता हूँ। तो ये हो गया, ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ, ठीक है। तो उस तरह से मैं यहाँ पे बहुत फास्ट डेवलपमेंट यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें एक नैव बार क्रिएट करना है। तो नैव बार क्रिएट करने के लिए मैं नैव बार यहाँ पे क्रिएट करूँगा, तो सीधे मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ नैव बार। तो मैंने यहाँ पर कहा नैव बार, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आया बूट स्ट्रैप नैव बार, एंटर प्रेस करेंगे तो अभी आप देखोगे कह रहा है बिल्कुल डार्क या फिर लाइट। तो मैंने यहाँ पर कहा लाइट क्रिएट करना है, तो ये हो गया फिक्स्ड टॉप, ठीक है। फिक्स्ड टॉप नहीं रखना है तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। तो सिंपली ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। क्या कर रहा है, ये बटन क्रिएट कर दिया है इसने, यहाँ पर एक नैब क्रिएट कर दिया है जिसका आईडी माई नैब रखा हुआ है। ये कोलैप्स होता है, यहाँ पर एक आइटम है, यहाँ पर एक आइटम है, ठीक है। सेव करते हैं इसको और हमने कहा HTML, ठीक है। ये हमने कहा गो लाइव, तो लाइव सर्वर में मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ। तो ये जो है ओपन हो चुका है। अभी आप देखोगे यहाँ पर एक नैब क्रिएट हो गया है ना। यहाँ पर जो हेलो वर्ड है इसको मुझे रिमूव करना है, तो ये जो हेलो वर्ड है मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। परफेक्ट, नाउ सेव करेंगे। तो अभी आप देखोगे ये नैब बार क्रिएट हो गया है। यहाँ पर ब्रांड आपका है, तो ब्रांड मतलब कि मेरा वेबसाइट का नाम। तो मैंने इसको कहा ई शॉप, ठीक है, ई शॉप आ गया। अब इसमें मैं कुछ डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ, जैसे ई है इसका, मान लीजिए मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं जो ई है इसको कट करूँगा यहाँ से, इसको स्पेन में मैं रैप कर सकता हूँ। स्पेन में मैंने इसको रैप किया ई को, बस ओनली ई को। और मैंने यहाँ पर कहा क्लास अप्लाई करूँगा मैं बोल्ड क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा, मैंने इस पर लिखा फॉन्ट फॉन्ट डैश वेट, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर एंटर प्रेस किया। नाउ मैंने यहाँ पर लिखा, सॉरी, जो स्पेन हमने क्रिएट किया इस पर मुझे क्लास अप्लाई करना है। क्लास अप्लाई करेंगे तो हमने यहाँ पर कहा फॉन्ट वेट वेट एंड देन हमने यहाँ पर कहा बोल्ड। तो ये क्या है, क्लास है। तो इस क्लास से क्या होगा, जो ई है आपको वो बोल्ड में दिखेगा ना। आप चाहते हैं इसका कलर जो है रेड हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लास अप्लाई करूंगा, मैंने इस पर कहा टेक्स्ट डेंजर, ठीक है। तो जो हमने चीज़ें पढ़ी थी कलर वगैरह यूज़ करने की, स्पेन को कैसे यूज़ करना, फॉन्ट वेट, तो अब यहाँ पे हम सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट कैसे काम करता है। तो ये हो गया ई शॉप मैंने क्रिएट किया, ठीक है, ये हो गया। अब ई शॉप हमारा जो ब्रांड है ये हो गया। आइटम आइटम 2 है, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो ये आइटम्स मैंने कहाँ क्रिएट की, आइटम 1। तो इस आइटम 1 में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आ जाए मेरे पास ऑर्डर्स, ठीक है। ऑर्डर्स के बाद जो सेकेंड वाला है इस पर मैं क्या चाहता हूँ, ये हो जाएगा मेरा कार्ट, ठीक है। ये हो गया मेरा यहाँ पे कार्ट। इसके बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और उसको हम एक और क्रिएट करेंगे। हमने कहा कंट्रोल अल्ट जेड प्रेस कर लेता हूँ, तो ये रैप कंटेंट हो गया। तो अभी मेरे पास एक कार्ट है, मैंने इसको कहा प्रोफाइल प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल प्रोफाइल हो गया। नाउ मुझे यहाँ पे करना है लॉग इन लॉग आउट और साइन अप, ये सारी बटन्स क्रिएट करना है। कॉपी करूँगा मैं इसको, 3 बार मैंने कॉपी किया। यहाँ पर मैंने कहा लॉग इन, इसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पर लॉग आउट, लॉग आउट किया एंड देन इसके बाद जो लास्ट है हमने यहाँ पर कहा साइन अप, ठीक है, सेव किया। तो अभी आप देखोगे ये बटन से यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। अभी जो एक्टिव बटन है वो ऑर्डर्स, क्योंकि इस पे जो है एक्टिव यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। और इसमें से बाकी के जो है डिसेबल्ड हैं, तो मैं डिसेबल्ड को यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से रिमूव किया क्योंकि वो इनेबल नहीं दिख रहा है, उस पर क्लिक करोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नाउ सेव किया। अभी देखेंगे ये जो है अभी इनेबल हो चुके हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि कार्ट डिसेबल है, नहीं है, सब कुछ सही है। तो अभी देखोगे ये वाला एक्टिव लिंक है ऑर्डर्स का, तो एक्टिव अभी है ऑर्डर्स का, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि ये जो है इसको मुझे इस साइड लेके आना है। तो उस साइड में इसको कैसे लाऊंगा, तो यहाँ पर देखो MR ऑटो है, तो इसमें मैं ML ऑटो करूँगा। तो अभी ये इस साइड आ चुका है, मतलब कि जो लेफ्ट से ऑटोमेटिक करना है, तो ये साइड आ चुका है, ठीक है। सारी बटन्स आ चुके हैं यहाँ पर। अभी इसमें आप देखो कि ये रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि जो जब लार्ज स्क्रीन रहेगा तभी ये ओपन रहेगा, नहीं तो यहाँ पर एक बटन हमको शो होने लगा, ठीक है। तो अभी आप देखोगे ये जब मैंने इसको क्रिएट किया तो ये आ गया, मैं इसको स्मॉल स्क्रीन करूँगा तो ये हो गया। नाउ मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमको देखने मिलेगा, ठीक है, ये बटन्स आ गई हैं। तो फुली रिस्पॉन्सिव जो वेबसाइट है, अभी हम इसको देखेंगे मोबाइल में ये कैसा दिखेगा, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये हो गया नैव बार, के नैव बार हमने कैसे अपने एप्लीकेशन में ऐड कर दिया है, ठीक है। नैव बार ऐड कर दिया ना, अब हमारी स्क्रीन में जो इंडेक्स पेज रहेगा वो होम पेज रहेगा। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स वगैरह शो करेंगे और यहाँ पर साइड में कैटेगरीज होंगी, ठीक है। तो वो हम देखेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में।